नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, अभी अभी जेडीयू के विधायकों और सांसदों का बैठक खत्म हुआ है और इस बीच जदयू ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है, यानी कि अब एनडीए की सरकार खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बिहार के सियासी गलियारों से निकल कर आ रही है। देखिए 16 नवंबर 2020 को एनडीए की सरकार बनी थी और अब खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, एनडीए की सरकार खत्म हो गई है, भाजपा से अपना नाता आज नीतीश कुमार तोड़ लिए हैं, अब क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम चीजों पर देखिए, कल रात भी हम आपको बताए थे कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन यह बात बहुत जरूरी है कि सीएम कौन बनेंगे, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार। लेकिन आज जो बैठक अभी अभी खत्म हुई है, इस बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया है और अब एनडीए की सरकार बिहार में खत्म हो गई है। अब देखिए, कभी भी नीतीश कुमार राजभवन की ओर अपना रुख बदल सकते हैं, राजभवन कभी भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार विपक्ष के तमाम नेताओं का साथ मिल रहा है, तमाम आज उधर आरजेडी का भी बैठक चल रहा था, तमाम विधायक आरजेडी के बैठक हो रहे हैं पटना में लगातार। और जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों से बिहार में लगातार सियासी गर्मियां बढ़ी हुई थी, लग रहा था कि बिहार में कुछ ना कुछ खेला होने वाला है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने आई कि नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना नाता तोड़ लिया है और एनडीए की सरकार अब बिहार में खत्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए अभी अभी विधायकों और सांसदों का बैठक खत्म हुआ है, जिस बीच नीतीश ने बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि बिहार में 16 नवंबर 2020 को एनडीए की सरकार बनी थी, अब भाजपा से अपना नाता नीतीश कुमार तोड़ लिए हैं। आखिरकार किसके साथ जाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर अब लगातार बात चल रहा है। देखिए क्या कुछ हो सकता है बिहार में, हो सकता है महागठबंधन की सरकार बन जाए, लेकिन सीएम कौन बनेंगे ये सब देखना विशेष जरूरी है। लगातार एक एक अपडेट हम आपको इससे देते रहेंगे, आप बिहार एक सोच चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।